Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just begun. दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब ठीक ठाक खुश बाश होंगे तो जनाब घर और घर के काम जो है ना वो औरत के साथ ही खत्म होते हैं <laughs> सो हमेशा की तरह हम जो है ना अपने कामों पे लग गए थे और कल चुके मैंने अ, पोछा वगैरह नहीं लगाया था तो आज मेरा जो था ना टारगेट वो था अपने घर की मेन क्लीनिंग पे था क्योंकि कल आपको पता है मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि मेरे कल हमारे घर छोटी सी एक पार्टी है जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी अम्मी भी बहुत एक्साइटेड रहेंगी कि अम्मी की फ्रेंड्स की छोटी सी एक पार्टी है तो ये उसे एक दिन पहले की वीडियो है सो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करूं ताकि मैंने कुछ खाने की प्रेप्स भी करनी थी खाना तो नहीं मतलब टी पार्टी है लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने घर पर बनानी है इस बार ना कुछ चीज़ें मैं बाहर से मंगवा रही हूँ और कुछ हम लोग घर बनाएंगे क्योंकि उसमें ये होता है ना कि फिर अब घर पे भाभी भी नहीं थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन अगर हम उसको बाहर से ऑर्डर कर लेना तो वो उससे एक तो कम एफर्ट में और कम पैसों में भी वो तैयार हो सकती है सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से मंगवाएंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर पर बनाएंगे तो अच्छा अक्सर ना मैं मे, मेरी वीडियोस जो होती है ना वो ज़्यादातर होम मेकिंग पे होती हैं या क्लीनिंग पे होती हैं तो अक्सर मुझे औरतों का मैसेज पता क्या आते हैं कि हमें कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे ना हम बहुत कम एफर्ट्स में ना हमारा घर जो है ना क्लीन और ऑर्गेनाइज लगे मतलब मैं अक्सर वीडियोस में ये चीज़ें बताती रहती हूँ छोटी मोटी टिप्स मैं देती रहती हूँ क्लीनिंग के ऊपर खास तौर पर तो आ, अच्छा हम लोग ना अक्सर अब आ, वीडियोस देख रहे हैं व्लॉग्स देखते हैं जो भी है तो अक्सर हम देखते हैं लोगों के घर बहुत साफ़ हैं बहुत परफेक्ट मतलब मतलब स्पॉटलेस किस्म के घर होते हैं लेकिन रियलिटी में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता जिस जगह पे बंदे होते हैं ना वो घर ज़रूर गंदा होता है और आ, हमेशा हर जो एक घर है ना वो ऑर्गेनाइज्ड तो रह ही नहीं सकता ख़ासतौर तो पर जिधर बंदे हों या बच्चे हों जहाँ पर बस दो दो पे मेरा छोटा मोटा सा मजाक है ना जो वो मेरी आंटी हालता के साल चलता रहता है <laughs> अच्छा तो हम बात कर रहे थे क्लीनिंग पे और ऐसा भी नहीं है कि घर जो है ना वो एक्सीडेंटली क्लीन हो जाए मतलब कि क्लीन रहता है ये ऐसा नहीं होता आपको करना पड़ता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ आपको अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ती हैं कुछ आदात अपनानी पड़ती हैं जिसकी वजह से आपका जो घर है ना वो साफ़ रह सकता है बहुत कम एफर्ट में भी हाँ आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने हर रोज़ झाड़ू पोछा करते ही रहना है कई बार ऐसा हो जाता है कि आप या तो तबीयत ठीक नहीं होती या आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो ये वाली चीज़ें उस टाइम आप स्किप कर सकते हैं हाँ मैं ये चीज़ें बता सकती हूँ कि आप ऐसा क्या क्या करें जिसकी वजह से आपको मेन सफाई से बा बचना पड़े क्योंकि मेन सफाई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबा काम है और बहुत उकता देने वाला काम है इससे मैं भी उगता जाती हूँ मुझे भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है तो हम क्यों ना ऐसा कुछ करें जिससे हमें वो मेन सफाई करने का हमें मौका ही ना मिले मतलब उस वो वाला टाइम ही ना आए तो और उसके लिए जरूरी है कुछ छोटी छोटी सी आदतें जो अपने अंदर अपनानी होती हैं वो होता है जी रोज़ का काम रोज़ और रोज़ का काम ये नहीं है कि आपने हर वक्त ही सफाई में लगे रहना बस वो है कि जो आपने आ, आ, बिखा बिखेरा है ना चीज़ें वो आपने फ़ौर उठानी है जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने रूम को एवंटी हंड्रेड नहीं छोड़ना चाहिए जो भी आप किसी कमरे से निकलने लगे तो उसको कमरे को देख लें कोई चीज़ तो नहीं फजूल पड़ी वो उसी वक्त उठा दें बर्तन जो आप यूज़ करते हैं वो फ़ौर उसी वक्त धो दिया करें मतलब जिनके घर मेड्स नहीं हैं खासतौर पर जिनके पास हेल्पर्स नहीं हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ और जैसे कि वाशरूम अक्सर ना मैंने लोगों के बहुत गंदे देखे हैं और जो कि बहुत ही गंदा सा इंप्रेशन छोड़ते हैं तौर तो पर आउटसाइडर्स पे तो बाथरूम की क्लीनिंग तो इंतहा ही आसान है अगर आप छोटी सी जो चीज़ है ना वो रोज़ का लें जैसे आप आ, शार लेने तो अक्सर रोज जाते हैं तो उसी वक्त आपने अपने हैंडी कोई चीज़ें हैं रखा करें कोई कपड़ा कोई आ, जैसे एक स्पंज होता है ना वो वो उसी वक्त जो शार की दीवारें हैं उसके ऊपर मार के और आपने आ, जो सिंक है मतलब जो बेसन होता है ना उसको उसी वक्त साफ़ कर देना जो भी छीटे पड़े हैं वो साफ़ हो जाएँ और बस वाइप लगा कर आप बाई निकल आएँ यकीन करेंगे सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है करने में भी, भी बहुत छोटी है कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो कभी भी आपके ऊपर मौका ही नहीं आएगा कि आपको की मुकम्मल क्लीनिंग करनी पड़े वो पता है पीले पीले से दाग पड़ जाते हैं वो तब ही पड़ते हैं जब आपका बहुत लंबे अरसे तक उस चीज को साफ ना करें ना पानी लग लग कर और कुछ नहीं पानी से भी दाग बन जाते हैं सो उसको अगर आप रोज करेंगे ना तो कभी भी आपको मेन सफाई नहीं करनी पड़ेगी अच्छा बहुत सारे लोग ना बहुत लंबा चौड़ा सा ना लॉन्ड्री पे भी काम ख़राब कर देते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े जोड़ लेते हैं और फिर उसको धोने के लिए ना वो एक जहनी टेंशन एक बन जाती है एक टॉर्चर बन जाता है कि इसको धोएंगे कैसे और रखेंगे कैसे मतलब कि ये कब ख़त्म होंगे तो उसके लिए आ, बहुत अच्छा होता है कि आप छोटे छोटे से पोर्शंस बना लें और वीकली आ, मतलब कई लोग तो वीकली करते हैं ना तो आप वीक में टू डेज रख लें मतलब पहले मैं वीक में एक बार करती थी लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं सो मैंने वीक में दो बार रख लिया हुआ है कि मैंने दो बार लॉन्ड्री करनी ही करनी है सो so, इस तरह आपका काम बहुत आसान हो जाता है बहुत कम टाइम लगता है अगर और आप बहुत बड़े एक बिखेरे से भी बच जाते हैं और हो जाती है डस्टिंग एंड पे आ जाती है और डस्टिंग तो मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि डस्टिंग बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है आपकी आ, मेन एक घर की लुक को ख़राब करने में भी और बनाने में भी रोज की रोज टस्टिंग कर लेने से ना आपका घर बहुत नीट लगता है आप यकीन करें ये एक आजमाई हुई चीज़ है मेरी तो तो बस ये ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको अपनाने से ना आपका घर जो है ना खास तौर पर एक बात तो मैं बताना बोलगी डी टाइम टू टाइम आप हमेशा अपने घर के अंदर ना नजर दौड़ाती रहा करें कि कौन सी चीज़ है जो फजूल है जिसको आप बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं करें उसको डी क्लटर करें ये एक क्लटर जो है ना वो घर को कभी भी ऑर्गेनाइज लुक नहीं देने देता आपकी ऑर्गेनाइज घर के लिए डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी होता है मैं हफ़्ते में एक बार जरूर अपनी अलमारी को जब खोलती हूँ ना तो अपने पास एक शॉपर रख लेती हूँ कि जो भी गंद, गंद शरंद कोई रसीदें कुछ भी पड़ा हुआ है ना मैं फ़ौरन उसी शॉपर में डाल के गिरा देती हूँ वरना ये एक ऐसा काम है जो कभी नहीं ख़त्म होने अलमारी तो कभी साफ नहीं होती <laughs> इसलिए ये डी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त रूल है आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लीन और, और नीटनेस के लिए सो so ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे एक्सपीरियंसिस थे जो मैंने आपको बताए हैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मुझे दुआओं में खास तौर पर आपने ज़रूर याद रखना है अच्छा रात को एक छोटा सा हमने बहुत मज़े का काम किया था बहुत बचपन की जो यादें थी ना उनको हम ताज़ा कर रहे थे मेरे भाई ना कुछ पटाखे शाके लेके आए थे वो हमने रात को चलाए तो उसकी भी क्लिप मैंने ऐड किया तो आप ज़रूर देखिएगा चलें जी इनशाला कर फिर मिलेंगे अल्लाह हाफि <laughs> <laughs> कौन ही चला एक दूसरा नहीं चला जान पीछे जा पीछे हो। पीछे पीछे uh, वो देख देख वाह वा, तो <laughs> <रागा राए। laughs> ये ना ओ देखो बट फैमिली यस नहीं नहीं सारी नहीं ना बारी बारी भैया सारी यार ओ oh. ए oh, yeah, yeah, yeah. चक्री वाह नाइस ओ कलर्स आगे आ चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया ओ अनार नर्दी ओ ए ओद भाग दी ओ कलर्स